मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम हम तब से सुनते आ रहे हैं जब से हमने बेसिक न्यूमेरल्स के बारे में जाना है। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को यह बात पता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। लेकिन आर्यभट्ट ने शून्य की खोज के अलावा भी कई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं जिसके कारण भारत में फर्स्ट सैटेलाइट को भी आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया। नैनीताल के पास आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस और पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी भी उनके नाम पर है। उनके इंटेलिजेंस और विजनरी अप्रोच के कई रेफरेंस हैं जो यह बताता है कि उन्हें मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल थी। उनके पास मेन तीन काम के निर्माण का श्रेय है जिसमें से केवल आर्यभट्ट ही है जो बची हुई है, बाकी दो समय के साथ कहीं लुप्त हो गए। यह बुक अपने समय के मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करता है और माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त के शासन के समय का था जो कि भारत के गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देकर इस मिथ को दूर किया कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है और यह प्रूफ किया कि सारे प्लैनेट इंक्लूडिंग पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और यह भी बताया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमती है। इतने सारे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन एंड डिडक्शन इन्होंने बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज किए अपने खुद के बनाए इक्विपमेंट से कर डाले। इन्होंने अपने दिमाग, हार्डवर्क और डेडिकेशन से ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज को सॉल्व किया और अपने बुक में यह तक बता दिया कि चंद्रमा अपनी नहीं बल्कि सूर्य के रोशनी से चमकती है। इस एस्ट्रोनॉमिकल बुक में मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है जिसमें अलजेब्रा, अर्थमेटिक, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री आते हैं। यहाँ तक कि इसमें एडवांस मैथमेटिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ पाई की भी वैल्यू बताई गई है जो कि पूरे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक के एक्यूरेट है। उनका अलजेब्रा में योगदान और सूर्य और चंद्र ग्रहण का एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दुनिया भर के मैथमेटिशियन के लिए प्रेरणा बन गया है। यहाँ तक कि उनका कैलकुलेशन आज भी यूज होता है। हिंदू कैलेंडर यानी कि पंचांग अभी भी आर्यभट्ट कैलेंडर इक्वेशन पे काम करता है। उनके नाम के कई अंदाजे लगाए गए पर कोई सफिशियंट और सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ नहीं है जो उनके जन्म स्थान या फिजिकल फीचर की पुष्टि कर सके। आर्यभट्ट ने दुनिया को अपना विजन और एक्सीलेंट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज दिया है जिसने उन्हें यादगार बना दिया और भारत के नाम को दुनिया भर में स्थापित किया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको किन किन टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। इस सीरीज से रिलेटेड और भी एपिसोड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।